वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेयरिंग के हवाले से कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी मैकेनिकल फिटर से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम देखते हैं हाउ यू कैलकुलेट ग्रीस क्वान्टिटी टू फिल अ बेयरिंग। जब भी आप किसी बेयरिंग में ग्रीस लगाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी ग्रीस लगानी है, क्योंकि लुब्रिकेशन का एक बहुत अहम रोल होता है बेयरिंग की लॉन्ग लास्टिंग में। तो इसका जो फार्मूला है एक्चुअल कैलकुलेशन का, वो है ओडी मल्टीप्लाई बाय विद 0.005। जब आप इन तीन चीज़ों को ज़रब देंगे, ओडी, विड्थ और 0.005 को, तो आपके पास ग्रीस की जो क्वांटिटी है वो ग्राम्स में आ जाएगी कि इतनी ग्राम्स आपने ग्रीस यूज़ करनी है। सेकेंड वन है विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बहुत टाइप्स के बेयरिंग यूज हो रहे होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो है वो है जर्नल बेयरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। थर्ड वन हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ लोड एक्ट ऑन बेयरिंग, बेयरिंग के ऊपर किस टाइप का लोड लग रहा होता है या बेयरिंग जो है वो कौन सी टाइप्स ऑफ लोड जो है उनको बेयर कर रहा होता है ड्यूरिंग वर्किंग, एक्सियल लोड और रेडियल लोड। जो अलोंग द एक्सियल रोटेशन लग रहा होता है वो रेडियल लोड होता है, और एक्सिस के अलोंग जो शाफ्ट के अलोंग होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्सियल लोड होता है। व्हाट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एवरीवेयर। यू नीड टू नो कि बेयरिंग की नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो क्या है, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। विच मटीरियल इज यूज फॉर जर्नल बेयरिंग मैनुफैक्चरिंग, जो मोस्ट कॉमनली जर्नल बेयरिंग यूज होते हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली ब्रॉन्ज यूज किया जाता है, उसके अलावा कुछ PTFE, ब्रास और कास्ट आयरन के भी बने होते हैं। विच बेयरिंग आर अवेलेबल इन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के लिए कौन से बेयरिंग है जो अवेलेबल है मार्केट में, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वो हमारे पास है बॉल बेयरिंग है और रोलर बेयरिंग है। सेकेंड वन है विच मटीरियल इज यूज फॉर बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अभी हमने बात की थी जर्नल बेयरिंग के लिए, अगर हम बात करें बॉल बेयरिंग के लिए तो इसके लिए जो हमारे पास जो मटीरियल यूज होता है वो कार्बन क्रोम स्टील का मटीरियल यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास हाउ डू यू नोमेनक्लेचर द बेयरिंग नंबर 6309ZZ। अगर आपके पास एक बेयरिंग है उसका नंबर है 6309ZZ तो इसका क्या मतलब है, आपको कैसे पता चलेगा। सिक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है टाइप ऑफ बेयरिंग कौन सी यूज हो रही है, थ्री जो है वो ओडी और विथ आउटर डाया और विथ को, जो 09 है ये वाला राइट साइड से फर्स्ट टू डिजिट जो है वो बोर साइज को शो करते हैं, और जो डबल जी है इसका मतलब बेयरिंग के दोनों साइडों पे मेटल शील्ड है या सील है या शील्ड जिसको हम कहते हैं, दोनों साइड पे वो लगी हुई है। उसके बाद है कि बेयरिंग के जो टूटने की या ब्रेकअप होने की या फेलियर की जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। लैक ऑफ लुब्रिकेशन नंबर वन, जो मोस्ट कॉमनली गलती होती है लुब्रिकेशन पे तवज्जो नहीं दी जाती, लैक ऑफ लुब्रिकेशन। सेकंड है कंटेमिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट। थर्ड वन मिस अलाइनमेंट। फोर्थ वन वाइब्रेशन। और लास्ट वन इम्प्रॉपर फिटिंग। ये चंद एक बेसिक वजूहात हैं जिनकी वजह से बेयरिंग डैमेज होते हैं। उसके बाद है व्हाट यू मीन बाई बेयरिंग क्लियरेंस, बेयरिंग क्लियरेंस से क्या मतलब है, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्लियरेंस आर गैप बिटवीन आउटर रेस और इनर रेस एंड रोलिंग एलिमेंट। इनर रेस या आउटर रेस और रोलिंग एलिमेंट के दरमियान जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेयरिंग क्लियरेंस। ये चंद एक बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू में किसी भी फिटर से, मैकेनिकल फैब्रिकेटर से पूछे जा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ Like and share the video and subscribe the channel. Thank you.